उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दल अपने रंग में आ गए हैं। इसका एक नजारा आज मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय सामने आया जब सपा छात्र सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक विरोध प्रदर्शन में अपनी लाल रंग की टी शर्ट और दूसरे कपड़े जलाने शुरू कर दिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव तो लाल रंग की टोपी अपने सर पर रखकर प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने में लगे हुए हैं। वहीं मुरादाबाद छात्र सभा ने लाल रंग के अपने कपड़े ही विरोध स्वरूप जलाकर किस तरह का संदेश दिया है ये तो छात्र सभा ही जाने। बहरहाल आपको बताते आज सपा का ये छात्र संगठन छात्रों की फीस माफी और अन्य समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा था और विरोध प्रदर्शन करते हुए पहले तो जमकर नारेबाजी हुई और फिर एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम डीएम को सौंपा और अर्धनग्न होकर डीएम कार्यालय के बाहर भी अपना विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन देने वालों में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष फरीद मलिक, विवेक चौधरी, फाजिल मलिक, नासिर खान, मुदस्सिर पाशा, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी डीपी यादव, विवेक चौधरी, मनीष यादव, इरफान, बिलाल साहिब, अब्दुल कादिर, अनुज सक्सेना, रोहित ठाकुर आदि छात्र नेता मौजूद रहे। देखिए पहले भी हमारे वरिष्ठ नेता छात्रवृत्ति को लेकर हमारा सहयोग करते रहे। जब हद हो गई, जब छात्रों के अभिभावक जब फीस देने में वो अपने बच्चे का रोजी काम चल नहीं रहा, रोजगार है नहीं, जब पढ़ाई नहीं है तो फीस किस बात की। आप एक एक साल की फीस ले रहे हैं, वो जो अभिभावक हैं वो उनके बच्चे मजबूर करते हैं, तरह तरह की टोने कसते हैं। तो इसलिए हम आज ये मुहिम शुरू कर रहे हैं आज से कि समाजवादी छात्र सभा हर उस अभिभावक के साथ खड़ी है जो असमर्थ है फीस देने में। और ये लोग सिर्फ बीजेपी का जो छात्र संगठन है ABBB वो धरने जरूर दे रहा है मगर वो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो पैसों के लिए धरने देते हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ABBP वाले आए हमारे साथ धरना दें, इस मांग में हम उनका सहयोग करने को तैयार हैं मगर वो आएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने पहले से ही कॉलेजों से सेटिंग कर रखी है। उनका संगठन कॉलेज चला रहे हैं, हमारा संगठन जनता चलाती है, हम जनता के मुद्दों को लेकर आते हैं। ये अर्धनग्न प्रदर्शन करके क्या संदेश देना था? प्रदर्शन इसलिए है कि आज से हम लोग अपने कपड़ों की आहुति देंगे। जो हमारे साथ आता है अभिभावक वो अपने घर में कपड़ा जलाए और उस मुहिम में जुड़े कि जिससे कि उसको लगे, सरकार को लगे कि हाँ वाकई में दर्द है। अगर वो उनको लगता है कि इस प्रदर्शन से कुछ नहीं हो तो वो बेशक ना आए मगर जो पीड़ित हैं वो आए और हम यही संदेश देना चाह रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से किन मांगों को उजागर किया गया? हमने ज्ञापन के माध्यम से दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है फीस को लेकर उसको हमने उजागर किया है। सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो असमर्थ है फीस देने में, उनका स्कॉलरशिप आए और सभी बच्चों की जो कोरोना काल में जो पढ़ाई नहीं हुई उसकी फीस माफ़ करी जाए।